दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। बहुत जल्द मैं आपको एक और खुशखबरी सुनाऊंगी। कैसी खुशखबरी? मैं शादी करने वाली हूँ। शादी? अम्मी उनका एक ही काम है, ऑफिस भी एक ही है, क्या फर्क पड़ता है? यही तो मैं कह रही हूँ फातिमा, जब ऑफिस एक हो और काम एक हो तो इंटरेस्ट भी एक हो जाता है। तुम जानते भी होगे फातिमा। फातिमा को क्यों डिस्कस कर रहे हो तुम? क्योंकि ये समझता है कि फातिमा कोई बेसहारा बेआसरा है, मगर फातिमा हमारी बेटी है। सालिया, तूने तो कभी बताया ही नहीं, तेरे मेके वाले इतने अमीर हैं। अम्मी बस कर रहे हैं, आज क्यों बातें कर? अम्मी मैं जरा हंगामे से मिल गया। क्या है, तू बीवी के आगे मेरी जुबान चाहता है? बिल्कुल बंद हो जाए। मैं सालिया की सास, ये मेरा पुत्र है शहजाद। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बातें करें? हाँ हाँ, जा तुम जा। आप तो बहुत मौजूद और पूर्वकार लग रही हैं। वो आपने मेरी समलन को देखा है? चार चार बेटियां पैदा कर ली उसने और खुद अभी भी लड़की की लड़की लगती है। अरे बहन, उनका जिक्र इस वक्त छोड़ दे। वैसे नजर नहीं आ रही वो। कोई लड़ाई शड़ाई तो नहीं होगी उसकी आपके साथ? ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ कोई किसी से नाराज नहीं होता। हाँ, चलें। वो वैसे एक बात बताई नहीं आपने, आप साहिरा की लगती क्या है? मैंने आपसे कहा है ना, आप साहिरा की फिक्र ना करें, उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो यहाँ मौजूद नहीं। प्लीज आप तशरीफ रखें, मैं अपने बाकी मेहमानों से मिलूं। जी, ये क्या तरीका, मुझे भी साथ ले जाती मेहमानों से मिलाने के लिए। एक से एक नमूना भरा भरा इस खानदान में। ये आप क्या कह रहे हैं अश्मत भाई? आपने मेरी फातिमा को तो क्या करता और क्या कहता उसे? सायरा से पीछा छुड़ाने के लिए मेरी समझ में तो यही आया वाली थी। मुझे उसे बोलना पड़ा कि फातिमा मर गई है, वरना वो मेरी बेटी की जिंदगी पर बात करती थी। सायरा मुसलसल दानियाल को भी गुमराह कर रही है, उसकी जिंदगी में दूसरों का घर बर्बाद करने के अलावा कोई और मकसद ही नहीं। चले आए, रसम तो कर। क्या देख रहे हो? तुम्हें कितनी हसीन है। मैं ही आपकी नजर। तुम दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, ये पागल अपनी ही धुन में जिए जा रहा है। दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। बाबा 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 नीरी बाजा जानी।
हेलो। उम्मीद है आप मेरी आवाज से पहचान गए होंगे। झूठ बोल रहा है। आप जान चुके हैं कि मैं साहिरा बात कर रही हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं किसी साहिरा को नहीं जानता। बिजी हूँ मैं इस वक्त। जानती हूँ कि आप इस वक्त अपने बेटे की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे बस ये बता दें कि मेरी बेटी कहाँ है। बेटी? नहीं है तुम्हारी कोई बेटी। आपका गुरूर, आपका भरम, बस इतना ही था। नहीं संभाल पाए मेरी अमानत को। जीते जी तो उसे तुम मार गई थी। दूध के एक एक कतरे को तरसती रही मेरी बेटी और तुम कितनी बेदर्दी से उसे मेरे पास फेंक कर चली गई थी। अब रोने से क्या हासिल? अली, मुझे आपसे मिलना है। मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहता। आपको आपकी बेटी की कसम अली, मुझे आपसे मिलना है। आपको आपके बेटे की खुशियां मुबारक। बस एक बार मिल जाए। ठीक है, मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगा। मुझे फिलहाल कॉल। किसका फोन है वलीद? वो चौधरी साहब की कॉल थी, मुबारक दे रहे थे। रस्म हो गई? रस्म होनी है, चले आ चले। Thank you.
सिपाही आसमां पे बुलंदियों के राही। भूल जा पिंजरे में पंछी आए ना, होशियार रहता कहाँ जा रहे हो? तुम्हें बताना जरूरी है क्या? क्यों? मेरा जानना जरूरी नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो? तुम इतनी जल्दी बदलोगे मैंने सोचा भी नहीं था। और तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। इस बात का भी मुझे अंदाजा नहीं था। कोई औरत नहीं चाहती कि उसके सामने उसके शौहर को जलील किया जाए। बाकी तुम्हारी जगह कोई और औरत होती ना तो अपने भाई का गिरेबान पकड़ लेती कि उसे कोई हक हासिल नहीं है। हशमत भाई को तुमसे शुरू से नफरत थी, तुम्हारी बुरी शोहरत की वजह से। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया था मैंने? काश काश के उस दौर में मैं तुम्हें वाकई अगवा कर लेता, तब अकल ठिकाने आती तुम्हारे हशमत भाई की। अब बस भी कर दो सलीम, मैं चाहती हूँ तुम मेरा साथ दो। मुझे वलीद से पूछना है कि क्यों उसने मेरी बेटी की हिफाजत नहीं की, क्यों मेरी बेटियों का हक दबाए बैठा है। साहिरा, मौत हिफाजती दीवारें नहीं देखती कभी। तुम्हारी बेटी की जिंदगी इतनी लिखी हुई थी, और रही बात हक की तो वो हक तुम कानूनन भी वलीद से मांग नहीं सकते हो, क्योंकि अब तुम बेवा नहीं हो जैद की, मेरी बीवी हो। मैं वलीद से हिसाब जरूर लूंगी। अली, तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूं, आखिर आज हमारे प्यार की जीत हुई है। सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है राही, लेकिन एक बात तो है कि मैं तुमसे ज्यादा बहादुर हूँ, हर इम्तिहान का मुकाबला करने वाली हूँ मैं। देखो अली, तुम्हारे और मेरे हालात में काफी फर्क है। मेरी जिंदगी कुछ ऐसी जंजीरों में जकड़ी हुई है जिनको तोड़ना मेरे बस में नहीं। लेकिन अब तो सारी जंजीरें टूट गई हैं ना। हाँ, लेकिन अब हम दोनों जंजीरों में जकड़े गए जिनको तोड़ना किसी के बस में नहीं। बस फिर दुआ करो कि जंजीरें कभी ना टूटे। अच्छी लग रही है। Really? तुम अच्छे लग रहे हो। आओ मेरा बेटा, आओ आओ। ये तुम्हारे दादा दादी का कमरा था, फिर हमारा हो गया, फिर तुम्हारा हो जाए। इस घर में सब कुछ था, सिर्फ एक बेटी की कमी थी जो आज तुमने पूरी कर दी। मैं कैसे अपने रब का शुक्रिया कैसे। जी अबू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं अपने ही घर हूं। हाँ पापा। बेटा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलूं।
दानियार इंतजार कर रहा होगा। जी नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर तो मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है बेटा। हाँ फातिमा, तुम्हारे अब्बू ने बहुत इंतजार किया तुम्हारे लिए। तुम कुछ गपशप करो अपने अब्बू के साथ, मैं आलिया को देख के आती हूँ। आओ मेरा बेटा बैठो। मैं यहाँ पे अकेली बैठी हुई हूँ और बाहर सब लोग फातिमा आप ही के साथ हैं। मुझे तो सबने बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दी। देखा तुमने राहिल ने कैसे फूल बिछाए तुम्हारी राह में। मेरी राह में तो राहिल ने फूल बिछाए, लेकिन आप ही की राह में तो आप खुद ही बिछ गए। क्या मतलब? हमें मैंने ऐसा पहली दफा देखा है कि कोई ससुर अपनी बहू को ऐसे वेलकम करे। मैं भी तो उनकी बहू थी। शायद गुजरते वक्त के साथ तुम खुद ही समझ जाओ कि वलीद ने ऐसा क्यों किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई फालतू सी चीज बनकर आई हूँ इस घर। पगले, आते शादी मुकाबला शुरू। हाँ फातिमा तुम्हारी बहन है। फातिमा आप ही मेरी बहन है, लेकिन अब्बू ने तो मुझे बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। कोई बात नहीं है, वली तुम दोनों से बेहद प्यार करते हैं। मैं जाके देखती हूँ कि राहिल कहाँ रह गया। ससुराल मत समझना, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा अपना घर, मालिक हो तुम इस घर की। अब्बू आपकी इतनी मोहब्बत मुझे मगरूर बना देगी। मैं तो कभी भी नहीं सोचा था मुझे अपने ससुराल में इतनी अहमियत मिलेगी। ये तुम्हारा ससुराल नहीं है बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये तुम्हारा घर है। मैं आज बहुत खुश हूँ, ऐसे जैसे तो जहां की सारी खुशियां मुझे मिल गई। बहुत खुश, मेरे सबर का इनाम हो तो। कैसा सबर अबू? चलो फातिमा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाऊं। नहीं नहीं, ये थोड़ी देर और मेरे पास बैठो, अभी मुझे और बातें करनी है। बहुत रात हो गई है वलीद, फातिमा को आराम करने दो और आप भी आराम करें प्लीज। अच्छा अच्छा मेरा बेटा, चलो फातिमा शाबाश। मेरे पास, मेरी फातिमा मेरे पास, मेरी बेटी अपने घर आ गई, मेरी फातिमा।
I love you, Yulia. I wake up happy. मेरी बेटी मेरे पास आ गई, सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया। से मेरा नाम आपके नाम के साथ जोड़ गया है और आज से मेरी जिंदगी आपके नाम। कान्याल, जितना प्यार और खुलूस मुझे आपने दिया, मुझे इस घर से मिला, मैं शायद उसके काबिल भी नहीं थी। मेरे नाम से पुकारते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तोहफे को मैं कभी अपने से जुदा नहीं करूंगी कान्याल। बेटियां तो होती हैं कि एक दिन अपने बाप के घर से रुखसत हो, लेकिन हमारी बेटी तो हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास आ गई है। वलीद, आपका ये वालिहाना अंदाज फातिमा को परेशान कर देता है। मुझे लगता ही नहीं कि फातिमा इतनी बड़ी होकर इस घर में आई। मुझे तो आज भी लगता है मेरी फातिमा वही छोटी सी। वक्त के साथ साथ रिश्तों के तकाजे बदलते हैं और हमें भी अपने रवैये बदलने पड़ते हैं। वलीद, आप मुझे समझा रही हैं। जानती भी हैं कि मैंने कितना सब्र किया। आप जैसा सब्र और कुर्बानी कौन दे सकता है वलीद, लेकिन अब तो हमारी फातिमा हमारे पास है, तो आप एक नॉर्मल बाप की तरह जिसे वो अपनी बेटी को ट्रीट करता है वैसे ट्रीट करें प्लीज। दिल के दिल में रहने दो, यूं ही घुट घुट के मरता रहूं। नहीं वलीद, लेकिन आपका ये रवैया फातिमा को दूसरों के नजरों में नापसंदीदा कर सकता है। आपको आलिया को भी उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए जैसे आप फातिमा को देते हैं। अच्छा भाई, मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं आप? आहिस्ता आहिस्ता संभाल लूंगा खुद को। ठीक कह रही हैं। शाबाश, मुझे अच्छा लगा आप समझिए। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, आप थक गए होंगे।
हशमत, ये क्या आप रो रहे हैं? ये क्या बचपना है? Tell me now. मुझे फातिमा बहुत याद आ रही है। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, आपने अपनी बेटियों को इज्जत से रुखसत किया। सुरखुरू हुए हैं आप। एक बाप की जिंदगी में जो सबसे अहम फर्ज होता है वो अदा कर दिया है आपने। वली सारी जिंदगी अपने आप को धोखा देता रहेगा तहमीना, और फातिमा वलीद को अपना ससुर समझती रहेगी सारी जिंदगी। बाप की जगह नहीं दे पाई, बेटी की तरह कोई नखरा नहीं कर पाएंगे। ये काम है कि वलीद भाई को कभी अपनी बेटी को रुखसत नहीं करना पड़ेगा। हमें देखे हशमत, हमने दो बेटियों को रुखसत किया है। अपने आप को संभालें आप, बस उन दोनों के अच्छे नसीब के लिए दुआ किया करें। अंदर आ जाए, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। कैसे लग रही हूँ? कल से भी ज्यादा हंसी। क्यों, आज कौन सी हुस्न की बरसात होगी मुझ पे? बस मेरे प्यार की बरसात ने आज तुम्हें और हसीन बना दिया। ये बात तो है राहिल, मैं खुद को बहुत लकी फील कर रही हूँ। एक बात कहूँ, जब से तुम इस घर में आई हो एक अजीब सी बहार आ गई इस घर में। मेरे आने से या फातिमा आपी के आने से? मेरे आने से शायद तुम्हारी जिंदगी में बाहर आ गई है राही, लेकिन फातिमा आपी के आने से इस घर में कोई खुशखबरी सी आ गई। तुमने अभी से फातिमा भाभी से जेलसी फील करना शुरू कर दी। नहीं राही, फातिमा मेरी बहन है, जेलस फील नहीं कर रही, लेकिन जैसे वलीद अंकल ने उसको वेलकम किया मुझे बहुत अजीब लगा। उन्होंने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया राहिल। खैर मुझे क्या, बट मुझे कोई इग्नोर करे मुझसे बर्दाश्त नहीं। भाई मैं तो ये जुर्रत कभी नहीं कर सकता। तुम्हारी मैं जान ले लूं अगर तुम ऐसी हरकत करो तो। चले नाश्ता लग गया। चलो लेट्स गो। अरे बाबू मैं खुद भी तो पहन सकता हूँ। मुझे पहनाने देना, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे हमेशा से अपना काम करने की खुद आदत है। हमेशा से मैं भी तो आपके पास नहीं थी ना। मुझे अपना काम करना अच्छा लगता है फातिमा। जरूर अच्छा लगता होगा, लेकिन अब से आपके सारे काम मैं करूंगी। आपको कोई काम नहीं करने देना मैंने। प्लीज मुझे बच्चों की तरह मत ट्रीट करो। दानियाल आप कुछ भी कह दे, इस मामले में आपको कोई छूट नहीं है। सो नाश्ते पे सब वेट कर रहे होंगे, मैं आता हूँ। पिक्चर आप ही जाएं।
अरे वली, आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाएं। हाँ वो बस फातिमा का इंतजार कर रहा हूँ, वो आ जाए तो फिर बैठ जाओ। मैं सभी आती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आए बैठे। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा। बैठो मेरा बेटा, बैठो इधर। अरे अबू ये तो अम्मी की जगह है। अरे नहीं, आज के बाद फातिमा यहाँ बैठेगी, आखिर इसी ने तुम्हारी जगह लेनी है। बिस्मिल्लाह कर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी बेटी क्या खाएगी, ब्रेड या पराठा? ये लो ये लो। जी अबू, मैं ले लेती हूँ, थैंक यू। आलिया तुम नाश्ता शुरू कर लो। राहिल दानिया चाय। जी अम्मी। ये लो मेरा बेटा, ये भी लो, लो लो। तकल्लुफ बिल्कुल नहीं करना। हाँ थैंक यू अब्बू जी, बिल्कुल तकल्लुफ नहीं करूंगी मैं, आप परेशान ना हो। दानियाल राहिल, मैंने तहमीना बहन को मना किया था कि सुबह नाश्ता नहीं लेके आना, हम वहाँ की रस्म है, आप लोग नाश्ता करके आलिया और फातिमा को हशमत भाई के घर ले जाना। बेटा लेकिन वापस जल्दी आ जाना। जी अब्बू इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। हानिया? हाँ वो सुबह चली गई ना, उसकी बहन को सुबह स्कूल जाना था ना। Excuse me, मैं भी आता हूँ। वलीद आप खाने के टाइम पे फोन नहीं अटेंड करते तो बंद कर दें। नहीं वो जरूरी कॉल है। चाय डालो मेरे लिए। आलिया चाय डालो आपके लिए। बोलो। क्यों रही हो? अल्लाह बहुत मेहरबान है, तौबा करने के बाद इंसान के बड़े से बड़े गुनाह माफ कर देता है, लेकिन अल्लाह के बंदे इतने संदिल क्यों होते? मैंने तुमसे कहा था ना कि बेवक्त मुझे कॉल मत करना। तुम तो अपनी औलाद की खुशियां मना रहे होगे, तुमने एक बेटी खोई और दो बेटे पा लिए, मेरी तो तीनों बेटियां मुझसे मुंह मोड़ गई। तुम्हारी बेटियां तुम्हारी शादी ना तस्लीम कर सकी ना बर्दाश्त, तुम्हें चाहिए था कि एक बेटी को खोने के बाद तुम अपनी बाकी जिंदगी जिन दोनों बेटियों के सहारे गुजारे। तुमने भी तो अपनी बेटी के होते हुए शादी कर ली है वलीद।